हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच 22 रेसिपी। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता कोथंबीर वड़ी। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है और कुछ ही सामग्री से बन जाती है। ये इतनी ज्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनती है कि आप हर रोज नाश्ते में यही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए ये टेस्टी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक बंच फ्रेश धनिया लिया है। इसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है और इसे बारीक काट लिया है। यहाँ आपको सिर्फ पत्तों का ही यूज करना है, इसकी डंठल को यूज नहीं करना है। अब एक परात लेंगे और ये फ्रेश धनिया उसमें डाल देंगे। अब 1 कप भर के बेसन डालेंगे और 1/4 कप चावल का आटा डालेंगे ताकि कोथंबीर वड़ी क्रिस्पी बने और वड़ी का बाइंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है। अब सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाकर डालेंगे। अब 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम डो रेडी कर लेंगे। यहाँ आपको डो लगाने में लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच पानी लगेगा। ये देखिए इतना सॉफ्ट आपको डो बनाना है। अब इनमें से हम 2 समान लुए बना लेंगे और अब इसे हम सिलेंडर यानी कि मुट्ठी जैसा शेप दे देंगे। इतने डो में से 2 मुठिया बनेगा। इसे अब हम बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही बॉयलर को बॉईल होने रख दिया था। अब उस पर ये 2 लुए हम रख देंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। बीस मिनट हो चुकी है, मतलब ये बॉईल हो चुका है। ये देखिए चाकू पे ये चिपक भी नहीं रहा है। अब इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है तो इसे ऐसे ही हम 1 समान हिस्से में काट लेंगे। एक समान हिस्से में काटकर फ्राई करने के लिए ये रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है कोथंबीर वड़ी का। अब इसे फ्राई कर लेंगे। आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑयल पहले से ही गर्म होने रख दिया है। अब थोड़े थोड़े वड़ी डालकर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे एक साइड फ्राई हो जाएगी वैसे वो ऑयल पर ऊपर तैरने लगेगी। अब हम इसे पलटा कर दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही मैंने सारी कोथंबीर वड़ी को फ्राई कर ली है ना, एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट।
अब प्लेट में निकालकर ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे। आप इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट शुक्रवार।